बड़ी खबर के साथ भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार कर दिया गया है। आरोपी सरफराज को भरतपुर से पकड़े जाने की खबर है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने इन सभी आरोपों को नकारा है। हमारी जानकारी में नहीं कोई ऐसी सूचना, ये कहा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की होगी, ये बताया जा रहा है कि सरफराज को यूपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी हरियाणा में डिप्टी की अवैध खनन मौत के मामले में भरतपुर से गिरफ्तारी हुई थी। इस दौरान भी पुलिस अधीक्षक ने किया था इन आरोपों से इनकार, हमारे यहां नहीं की गई हरियाणा पुलिस के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई, उस दौर में कहा गया था, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिसने धमकी दी उसको भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम सरफराज बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अधीक्षक इन तमाम आरोपों से इनकार करें और कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यूपी की पुलिस भरतपुर आई, सरफराज को पकड़ा और यहां से चल दी। सवाल यह कि क्या इस दौरान लोकल पुलिस को जानकारी नहीं लगी, पुलिस अधीक्षक को क्या जानकारी नहीं मिली, या वो इस जानकारी को साझा करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे पहले भी जब हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की थी, आरोपी को गिरफ्तार किया था, उस दौरान भी इसी तरीके का बयान आया था, कहा गया था कि उनकी जानकारी में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया था और ट्वीट करके बताया था कि हाँ ये कार्रवाई की गई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में लोकल पुलिस की जानकारी के बिना इस तरीके की कार्रवाइयां की जा सकती हैं, क्योंकि अक्सर इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि जब बाहर की स्टेट की कोई पुलिस किसी अन्य स्टेट के अंदर किसी जिले के अंदर कार्रवाई करती है तो लोकल पुलिस को जानकारी दी जाती है और फिर वो कार्रवाई की जाती है। ऐसे में माना जा सकता है कि कार्रवाई जानकारी के साथ की गई होगी, लेकिन शायद उसको साझा नहीं किया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि जिसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी उसको भरतपुर से गिरफ्तार किया गया और उसका नाम सरफराज है।